पीटीआई हुकूमत में थी, महंगाई हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी और उसका इल्जाम जो है वो उस वक्त की हुकूमत पे था और उसके बेनिफिशरी जो है वो हम थे, उस वक्त की अपोजिशन थी। जब ये पोजीशन तब्दील हुई है तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, जो कि हमारा दावा भी था, हमारी कोशिश भी है और हम ये इरादा रखते थे, हमारी ये कैलकुलेशन थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर बड़े पुरउम्मीद थे और पूरे पुरअज़म थे, अब भी हैं, कि जैसे ही जो है वो IMF का वायदा जो है वो हो जाएगा तो हम फौरी तवज्जो देंगे और लोगों को इस बारे में रिलीफ देंगे। IMF का मुआहदा जो है उसमें थोड़ी दिक्कत भी पेश आई और थोड़ी देर भी लगी और उसकी वजह जो है ये इमरान खान की मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो पॉलिसीज थी। एक तो पहले IMF के साथ मुआहदा बड़ा गलत किया और उसके बाद फिर जाते जाते जो है वो कीमतों को कम करके उस मुआहदे की ऐसी खिलाफवर्जी की कि बिल्कुल एतमाद ही उठ गया और IMF की टीम जो है वो इस बात को बात सुनने को तैयार ही नहीं थी कि जी आपने जो है वो वायलेशन की है। उन्हें लाख कहा कि जी ये वायलेशन हमारे खाते में नहीं पड़नी चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का वायदा था, हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि हुकूमत में कौन है या कौन नहीं है। तो बहरहाल वो इसलिए ज़रूरी था कि अगर वायदा ना होता, वो मुश्किल फैसले हम ना करते, उस वक्त हम केयर टेकर्स के पास मुल्क को छोड़ के खुद जो है वो अपनी सियासत बचाने की कोशिश करते तो शायद ऐसी सूरत में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का इर्रेपरेबल लॉस होता और हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते। हमने उस वक्त रियासत, मुल्क और कौम का सोचा, अपनी जाती सियासत का नहीं सोचा और हमने मुल्क को, कौम को जो है वो उस मुश्किल हालत से निकालने के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। उन मुश्किल फैसलों की वजह से महंगाई हुई और उस महंगाई की वजह से जो है वो हमें जो है वो हमारा कैपिटल लॉस हुआ और वही एक मैं समझता हूँ कि जो नुकसान है जिसके ऊपर दूसरों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि जी हम बड़े पॉपुलर हो गए। भी आपने किया क्या है, किस बात के ऊपर आप पॉपुलर हो गए? जो आपने 3.5 साल और 4.25 साल जो आपने गंद किया वो तो अब खुल के सामने आ रहा है, फरा गोगी की शक्ल में और अल कादर ट्रस्ट की शक्ल में और वो जो 50 अरब रुपया UK से आया उस शक्ल में सारी चीजें तो अब एक्सपोज हो रही हैं। तो तुमने कौन सा मार्का किया है कि जिसके ऊपर तुम्हारी जो है वो पॉपुलरिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है? तुम्हारे ये मुश्किल फैसले हमें करने पड़े और अब हम इस बात में यानी जो है वो इस बात के करीब थे कि IMF के वायदे के बाद जो है वो हम लोगों को रिलीफ दें, महंगाई को कम करें, कीमतों को नीचे लाएं, लेकिन अब अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान जो है वो बेबस है। ये सैलाब का जो आफत, जो तबाही आई है, उस तबाही ने मजीद जो है मुश्किलात में जो है वो इजाफा किया है। लेकिन इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ बड़ा कामयाब डायलॉग किया है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उम्मीद है कि इस तबाही, क्योंकि ये जो तबाही आई है इस तबाही में हम कसूरवार नहीं हैं, या सिंध या बलूचिस्तान के लोग जो बहुत बैडली इफेक्ट हुए हैं उनका कोई इस बारे में कोई उनका अमल नहीं है, ये किया किसी और का है। इसमें पूरी दुनिया शामिल है और इस बात की गवाही जो है वो सेक्रेटरी जनरल UNO ने भी दी है। तो ये किया उनका है जो कि भुगतना जो है वो पाकिस्तान को या हमें पड़ रहा है। तो इसमें मालूम और एहसास अब ये हो रहा है कि दुनिया जो है वो इस बात का एहसास करके जो है वो अब अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की तरफ आ रही है। अल्लाह करे कि अगर ये ऐसा हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला में बड़ी उम्मीद है कि ऐसा होगा, तो फिर हम इन मुश्किलात के ऊपर जो है वो काबू पा सकेंगे। लेकिन इस सारी
सूरत हाल में बहुत ही काबिले मजम्मत किरदार है पीटीआई की उस टीम का जिसके सरबराह पागल खान साहब हैं और इन उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जो है वो गुमराह किया हुआ है। और शौकत तरीन जैसा बंदा जो है वो जो हरकत करता हुआ जो है वो पकड़ा गया है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है, तफ्तीश होती है, क्या दफा लगती है नहीं लगती, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन आप ये देखें कि उसने कितनी घटिया हरकत की। एक पाकिस्तानी होने के नाते बायस शर्म है ये बात कि कोई पाकिस्तानी जो है वो ये सोचे कि यार ये वायदा जो है ये ना होने दिया जाए, इसमें कोई खराबी डाली जाए ताकि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। यानी कितनी बायस शर्म बात है, और उस पार्टी का जो सरबराह है वो इतना बेशर्म है कि उसने इसके ऊपर अभी तक जो है वो नोटिस किया, इसके ऊपर उसने एक लफ्ज नहीं कहा कि यार ये गलत हुआ है, ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और सिर्फ इसलिए कि वायदा ना हो और मुल्क की मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो और खुदा ना खासा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। और इसी तरह से अब आप देखें कि वो रोज कि जी हमारी 25 मई को जो है वो तैयारी नहीं थी। भाई 25 मई को अगर तैयारी नहीं थी तो तुम किस तरह से जो है वो कह रहे थे कि मैं 20 लाख आदमी जो है वो लेके आऊंगा। ये 20 लाख आदमी बगैर तैयारी के तुमने ले आना था। उस 25 मई से पहले जो तुम डेढ़ महीना जो है वो गली गली और हर जगह पे जो है वो तुम फिरते रहे, जलसे करते रहे, गालियां देते रहे, बड़े बड़े तुमने जलसे किए, वो तुम्हारे जलसे करने का जो गुर है वो हमें पता है कि वो तुम्हारे जलसे क्यों भरते हैं। वो काम कोई और कर रहेगा उसके भी जलसे भरने शुरू हो जाएंगे, वो हमें पता है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसकी पूरी वजाहत जो है वो एक दफा मैंने करने की थोड़ी सी कोशिश की थी तो आप लोग ही मेरे पीछे पड़ गए थे, तो इसलिए नहीं अब थोड़ा सा भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन वरना ये मौसम के हवाले से ही बात। तो मामला ये है कि वो आप डेढ़ महीना जलसे करते रहे तो वो तैयारी नहीं थी और क्या थी। तो मामला ये है कि वो आपकी जो है वो नाकामी थी और उस नाकामी को आपको एडमिट करना चाहिए। अब आज उसने तैयारी चेक कर ली है, आप भी चेक कर लें, यानी आप भी चेक कर लें, हम भी चेक कर लेंगे, तो आपके सामने आ जाएगी उसकी तैयारी। आज शाम को उसने कहा है तो उसके बाद फिर देख लेंगे उसकी कैसी तैयारी है। तो मामला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को जो है वो यानी इस तरह से जो है वो धकेलने की और नाकाम करने की कोशिश में लगा हुआ है कि अगर मेरी हुकूमत है तो सब ठीक है, अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो खुदा ना खास्ता जो है वो फिर इस मुल्क के ऊपर जो है वो एटम बम गिर जाना चाहिए या इस मुल्क को जो है वो तीन हिस्सों में जो है वो तकसीम होना चाहिए। ये उसका रवैया जो है वो इंतहाई काबिले मुजम्मत है। मीडिया में ये बात आ रही है कि जी हमने कोई सख्त रवैया अपनाया हुआ है, हम कोई ज्यादा सख्ती करने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक पार्टी जो है वो एक ग्रुप कहता है कि जी मैं चढ़ाई कर रहा हूं इस्लामाबाद के ऊपर, तो क्या फिर उसका क्या जवाब दे सकते हैं? क्या हम फिर उनके सामने लेट जाएंगे जी ठीक है आप चढ़ाई करें आगे यहां पर और आप इस मुल्क को जो है वो एक बनाना स्टेट के तौर पे जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं? भाई उन्हें रोकना पड़ेगा ना, और अगर वो आएंगे तो हम रोकेंगे ना। अगर वो मसल्ला जथे की सूरत में नहीं आएंगे तो फिर हम उनको को रोकने के लिए को उनके घरों पे तो नहीं चले जाएंगे। तो अगर वो एक ऐसी जसारत करते हैं कि वो मसल्ला जथे का जथा लेके, आप देखें अब ये बात तो साबित है ना, उसने खुद तस्लीम किया है कि 25 मई को जिन लोगों को वो साथ लेके आया था वो लोग मसल्ला थे, उनके पास असला था, इसी गवाही उसने खुद दी है। तो मामला ये है कि अब अगर वो मसल्ला जथे को लेके चढ़ाई करेगा तो उसे रोकने के लिए हमें लाजम बात है कि हमें जो हमारे पास ला इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको जो है वो बुरुए कार लाना पड़ेगा और उस ऐसी किसी भी कोशिश को जो है वो फिर रोकना पड़ेगा। और वो जैसी वो सूरत इख्तियार करके अगर वो मसाला लोगों को लेके आता है तो फिर उसे उसी अंदाज से जो है वो रोका जाएगा, और अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, प्रोटेस्ट लॉन्च करवाने के लिए आता है, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड हूं, वो हमें
जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो जगह मुख्तस की हैं उन जगहों में से वो बताएं कि कौन सी जगह जो है वो वहां पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हम उनको वहां पे बैठने के लिए जगह भी देंगे, सहूलत भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, खाने पीने की चीज़ों की फराहमी भी मुमकिन बनाएंगे, वो वहां पे बैठे एहतजाज करें। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर चर दौड़ने के लिए आएंगे और वो रेड जोन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि ये फिर हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि ऐसे ग्रोह को, ऐसे जथे को और ऐसे गुमराह लोगों को जो है वो उनको जो है वो रोका भी जाए और उनका जो है कानून और आईन के मुताबिक जो है वो मौसर जो है वो इलाज भी किया। इमरान खान के पास जो है दो गवर्नमेंट बारी बारी बाजा साहब एक मिनट बारी बारी प्लीज बारी बारी प्लीज बारी बारी देखे जिस नंबर के साथ परवेज अलाई साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उस नंबर पे आपके आपके इलम में है कि सिर्फ दो या तीन वोट इधर उधर होने से जो है वो मामला जो है वो तब्दीली आ जाती है। तो पंजाब में तब्दीली लाना कोई मसला नहीं है और जो पंजाब हुकूमत का रवैया है उस रवैये के पेश नज़र इस तब्दीली को मैं समझता हूं कि लाया जाना ज़रूरी है और इस तब्दीली को वोट के जरिए से भी और आईनी तरीके से भी लाया जा सकता है। अगर कोई यूनिट जो है वो फेडरेशन को चैलेंज करे तो फेडरेशन को ऐसी सूरत हाल को निपटने के लिए आईन में मुतद्दद जो है वो तरीक़ाकार जो है वो दर्ज है। मामला सिर्फ ये है कि एक फैसला है, उस फैसले में ये लिखा जा चुका है कि जी वोट डाल सकते हैं, गिना नहीं जाएगा। उस फैसले का रिव्यू जो है उसकी हमारी कोशिश है कि वो इस या नेक्स्ट वीक में लगे और वो फैसला जो है वो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कहती है कि गलत है, वो दैट अमाउंट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर वो फैसला जो है वो रास्ते से हट जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम नहीं भी जाएंगे तब भी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं तो ये लाई जा सकती है, बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो फिर इस चीज को कामयाब करने के लिए जो है उसे शेयर करना जो है वो मुनासिब नहीं है। ऐसे ना करें, ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज नो वे। बहुत गलत बात है। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक आप सब लोग एक साथ करें। जी आपने कहा था कि पंजाब हुकूमत तेज दाखिल की नफरी दे गौर मार्शल होने के लिए, वजीर दाखिला पंजाब कहते हैं कि वो किसी सूरत जो नफरी है वो नहीं देंगे, उल्टा जो लॉन्ग मार्च के शुरुआत है उनकी उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। ये लॉन्ग मार्च के शुरुआत अगर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर देते हैं पंजाब हुकूमत उनकी बैकअप करती है तो गवर्नर राज का कोई चांस है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? देखिए ये फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है या कैबिनेट ने करना है, मैं यहां पे बैठ के तो ये फैसला नहीं कर सकता। लेकिन अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हमें जो हमने उनसे नफरी मांगी है वो नहीं भी देते तो हमारे पास रेंजर्स की सूरत में, एफसी की सूरत में, इस्लामाबाद पुलिस की सूरत में 10,000 का नंबर जो है वो सिंध से हमें अवेलेबल है, उस सूरत में हमारे पास जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटजिकली जो हमने देखा है उससे ऑलमोस्ट डबल जो है वो नंबर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो लेकिन क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना जरूरी था तो इसलिए हमने लिखा जरूर पंजाब को भी और केपीके को भी और वो जो जवाब देंगे वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो रहेगा, बाकी हमें ऐसा कोई ऐसी मजबूरी या कोई ऐसी कमी नहीं है। अच्छा राणा साहब, अगर अगर इस तरह की कोशिश की जाती है और केपी या पंजाब से लोगों को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है तो क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी? ड्रोन टेक्नोलॉजी आपने अवेल कर ली है या प्रोसेस में है, वो कहां तक है? देखिए वो प्रोसेस में है और क्योंकि जो भी लोग आएंगे उनमें से कुछ लोग तो वाकई जो है वो
इमरान खान के की यानी जो उसका शैतानी फलसफा है उससे मुतफिक हैं कुछ लोग तो वो होंगे, कुछ लोग जो उनको बहलाया गया है उन लोगों को जो है वो गुमराह किया गया है, तो इसलिए हमारी